लड़का है या लड़की? लड़की हुई है मेरी छोटी टीना। तुम अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए क्या सोचती हो? ये भी मेरी तरह एक बड़ी सी सुपर मॉडल बनेगी, बल्कि इससे भी बेटर, ये बड़ी स्टार बनेगी। ठीक है, एक और सवाल। बहुत हो गया इंटरव्यू, इन्होंने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है, इन्हें आराम की जरूरत है। आप नहीं कर सकते, ये सब हॉस्पिटल के खिलाफ है। तो आज की हमारी विनर है, आपको क्या लगता है कौन बनेगी मिनी मिस? काश ये मैं हो, इसे जीतना ही होगा। एंड द विनर इज, एनी गेस? कम ऑन, आज की विनर है हमारी सिंडी। मुझे कहना था कि आपको मिनी मिस कौन बनेगी? आज की हमारी विनर है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। गुस्सा होने की तो जरूरत ही नहीं है, टीना को मिले हैं द टाइटल ऑफ मिस जॉन। लेकिन मैं ये सच में जीतना चाहती थी। हाँ, वोट को रीकाउंट कराओ, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। माँ, आराम से, मुझे बुरा लग रहा है। मैं प्रोटेस्ट करूंगी, पुलिस को बुलाओ तुम लोग, मैं सबकी शिकायत करूंगी। जरा सुनिए मैडम, मैं आपको बाहर ले चलता हूँ। नहीं, बात खत्म नहीं हुई है। हाँ, तू पार्टी बर्बाद कर रही है। नहीं, जाने दो मुझे। इसकी माँ बिल्कुल पागल है। अच्छा ऐसा है, अब यहाँ से दफा हो जाओ और मेरी स्पॉटलाइट खराब करना बंद करो। आप क्या सोच रही थी? आपने वहाँ मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। मैंने तुम्हें शर्मिंदा किया है? तुमने मुझे शर्मिंदा किया। क्या? मेरी इसमें क्या गलती? तुम एक फेमस मॉडल की बेटी हो, तुम्हें हर बार नंबर वन पे आना होगा, क्योंकि तुम्हारी माँ भी ऐसी ही है। लेकिन मैं सब कुछ तो नहीं जीत सकती हूँ ना? बिल्कुल कर सकती हो, लेकिन जाहिर है ये करने के लिए तुम बहुत मूर्ख हो। तो ठीक है, जाओ, देख लेना, मैं अब भी बेस्ट बनूंगी और सब कुछ पाऊंगी। मैं एक टॉप मॉडल बनूंगी, सिर्फ मिस चाम नहीं। ला 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 ला। ओह, देखो कौन आ गई छोटी बहन। कंपटीशन कैसा था? कंपटीशन इतना बुरा था। टीना, तुम उदास क्यों हो? तुम्हें वेजिटेबल डाइट फॉलो करनी होगी। मैं ये सब सब्जियां नहीं खाऊंगी, ये बेस्वादी हैं। और तुम बिल्कुल खाओगी, ग्लोइंग स्किन के साथ तुम्हें स्लिम भी रहना है। फिर ग्वेन न्यूटेला क्यों खा रही है? ये भी तो एक मॉडल है ना। ग्वेन तुमसे कहीं ज्यादा समझदार है, ये आज किसानों की बेटियों के ब्यूटी कॉम्पिटिशन में फ्लॉप नहीं हुई थी। बिल्कुल सही है किडो, ऐसा ही है। क्या? मेरी गलती नहीं है कि मैं नहीं जीत पाई, मैंने अच्छा परफॉर्म किया था। ओह, तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने अपना सैश भी फेंक दिया है। तुम जानती नहीं हो कि कंपटीशन जीतना कितना मुश्किल काम होता है। चलो खाना खाओ। क्या तुम इतनी फ्लॉप हो कि गांव की लड़कियों के बीच कंपटीशन जीत नहीं पाई? बस ही करो अब तुम, मैं 100 कंपटीशन जीतूंगी, देख लेना। और अब तुम मुझे अपनी चाल दिखाओ। हाँ, आपने आज पहले देख ली है। और मैं जानना चाहती हूँ कि गलत आखिर हुआ क्या था, तुम जीती क्यों नहीं आखिर? माँ, मैं बस एक बच्ची हूँ, आपको लगता है किसी ने मेरी चाल देखी है? मुस्कुराओ। ये क्या गड़बड़ है, इतना लड़खड़ा के क्यों चल रही हो? ओह, तुम तो लूजर हो। चलो अब अपने कमरे में जाओ, अपनी आंखों पर मुस्कान की प्रैक्टिस करो। माँ, मैं थक गई हूँ, आराम करने दो। प्रैक्टिस। मुस्कुराओ, फिर इसे गिराओ और नजर बनाए रखो। भयानक, बहुत ही बुरा। मैं समझी नहीं, अपनी आंखों से कैसे मुस्कुराते हैं? तुम फैशन से बहुत दूर हो।
टायर बैंक्स देखी है तुमने? तो उसने आंखों से मुस्कुराने का इन्वेंशन किया है, देखो इस तरह। तुम्हें बस अपनी आंखों से सबको हिप्नोटाइज करना होगा। ओह, जैसे तुम्हें तो जादू आता है। लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ छोटी बहन, तुम्हारे लिए मॉडलिंग में कोई भी करियर नहीं है, क्योंकि तुम बहुत सीधी साधी भोली हो। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं बड़ी होकर सुपर मॉडल बनूंगी, कसम खाती हूँ। सब देख लेना। कसम खाती हूँ। कुछ कह रही हो क्या? कुछ नहीं, मेकअप परफेक्ट है। उस पर ध्यान मत दीजिए, मेरी बहन लाला लैंड से है। वैन, बस हुआ, मैं अब बच्ची नहीं हूँ, तुम्हारी बातें मुझे परेशान नहीं करती। उसमें हिम्मत आ गई है, तुम्हारी मामा ने इसके लिए मॉडलिंग एजेंसी भी खोल ली है। इस बेवकूफ के लिए इतना करने की जरूरत ही क्या थी, और अब ये सुर्खियाँ बटोर रही है। माँ, टीना में किसी को टैलेंट की झलक दिखाने की कोशिश किए जा रही है बस। तुम सबसे नफरत है। इसमें कोई कमी नहीं आएगी, ये हर शो में सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है। अगर यही चलता रहा तो तुम्हारी माँ हमें बाहर निकाल देगी। नहीं निकालेगी वो, हमें बस ये देखना होगा कि हमें ब्रांड के कॉन्ट्रैक्ट मिले, टीना को नहीं। और हम ये कैसे करेंगे? हम उसे सबसे अनकंफर्टेबल ड्रेस पहनाएंगे और देखेंगे उसमें कैसा परफॉर्म करती है। जितना हंसना चाहती हो हंस लो, मैं फिर भी शो स्टॉपर बनूंगी। हेलो दोस्तों, आज मैं हमारा टोटल रिसाइकल्ड मटेरियल से बना कलेक्शन पेश करते हुए बहुत खुश हूँ। हम सबको इस प्लैनेट को बचाने के लिए जो हो सके वो सब करना चाहिए, है ना? साथ में अच्छे भी दिख सकते हैं। चलो ट्राई करें। सही ड्रेस है इसके लिए, ये इसमें अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। और अब तो कोई भी उसे कॉन्ट्रैक्ट छीन सकता है। वो सिर्फ इसका दिखावा कर रही है। हाँ। नहीं, खुद क्रिस्टी भी तारीफ कर रही है। शो काफी शानदार रहा और तुमने तो कमाल कर दिया। शर्त लगा सकती हो कि कॉस्मेटिक का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा ही होगा। ओह, थैंक यू माँ। एलिस और ईवा ने भी कमाल किया, शर्त लगा लो लुकबुक के लिए तुम्हें कॉल आएगा। मेरा क्या माँ? और तुम तो हमेशा के जैसी थी, चाल लड़खड़ा रही थी, आंखें फर्श पर टिकी थी, कोई भी तुम्हारे ऊपर पैसे क्यों खर्च करेगा? लेकिन आगे की लाइन वाली औरत मुझे देख रही थी, वो काफी इम्पोर्टेंट लग रही थी। तुम जानते भी हो वो है कौन? वो क्रेजी घर फैशन हाउस की सीईओ है। उस तक पहुँचने के लिए तुम्हें एक लंबा रास्ता तय करना है। और वो यहाँ पहले ही आ चुकी है। सॉरी गर्ल्स, मैं खुद को रोक ही नहीं पाई यहाँ आकर आप लोगों से मिलने के लिए। टीना, तुम एक स्टार हो और मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे ब्रांड का चेहरा बनो। क्या? मैं, लेकिन मैं अभी भी रनवे पर चलने में बहुत खराब हूँ और माँ कहती है मैं फोटो लूँ। नहीं नहीं, टीना बस थोड़ी सी नर्वस है। मैं तो वैसे हमेशा से कहते आई हूँ ये लड़की बहुत टैलेंटेड है। ये हुई ना बात टीना, ये लो मेरा कार्ड, मैं कलेक्शन के लिए कल फोटोशूट में तुमसे मिलूंगी। वाह, थैंक्स अ लॉट। ये सच नहीं है, उस औरत ने सच में हद पार कर दी है। पक्का वो तुम्हें बोर्ड पे लेने की कोशिश कर रही थी। हमें ये पक्का करना होगा कि टीना का पहला फोटोशूट क्रेजी घर के लिए हो। बिल्कुल। टीना डियर, तुम तो एकदम कमाल लग रही हो, बिल्कुल चार्मिंग। तो ग्वेन, मिला क्या? एक मिनट रुक जाओ, यहाँ बहुत अंधेरा है। कमॉन, करती रहो, रुकना नहीं। बिजली काट दो। आप अच्छी लग रही हो। काम हो गया, चलो भागे।
लगता है बिजली चली गई है। कुछ भी मत करना, हम इलेक्ट्रिशियन का इंतजार करेंगे। मैं थोड़ी देर बाहर हवा खाने जाती हूँ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी जासूसी? ये बहुत जरूरी है, हमें यहाँ से भागना है। क्या बकवास है, न्यूज फ्लैश ये है कि यहाँ बम लगे हैं। मुझे घबराहट हो रही है। तो चलो अब भागते हैं। लेकिन फोटोशूट का क्या? बाद में कर लेना, ये सब अभी जान बचाना जरूरी है। अरे अरे, लेकिन बात तो सुनो। बाद में फोन लो और टीना को क्रिस्टी बन के मैसेज करो। हो गया, सॉरी हमें जाना पड़ा, वो बुखार आ गया। परफेक्ट। और अब इस नंबर को ब्लॉक कर दो ताकि वो दोबारा मैसेज ही ना कर पाए। हो गया काम। टीना अब क्रेजी घर की पोस्टर गर्ल नहीं बनेगी। माँ क्या हुआ आपको? टीना की फोटोशूट के बाद मुझे रेड कार्पेट पे बुलाया है। वाओ, बढ़िया। पर बुक्स का क्या? तुम्हें लगता है मैं वहाँ जाकर लूजर लगूंगी? हेलो किटी, मैं हूँ क्रिस्टी, मुझे तुम्हारे बच्चे के बारे में बात करनी है। क्या बात है बताइए, तारीफ करना चाहती है? ओवरऑल हाँ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे टीना हमें धोखा दे रही है और उसका काम में मन नहीं लग रहा है। क्या? उसने हमसे कहा कि वो उसे बुखार है और वो कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं ले पा रही है। क्रिस्टी आई एम सो सॉरी, मैं ये सब कुछ सुलझा दूंगी। ये टीना की बच्ची से तो मैं बात करूंगी। क्या तुम अपनी दूसरी लड़की को उसकी जगह पर भेज सकती हो? ग्वेन कैसी रहेगी टीना की जगह? समझ गई, वो जल्दी आ जाएगी। क्रिस्टी कॉल क्यों नहीं कर रही है? वो शूट करने का टाइम आ गया है, शायद मुझे ही लगाना चाहिए। अरे नहीं, अगर वो बिजी हुई तो? वो एक फैशन हाउस की बड़ी सीईओ है। चलो उनकी साइट चेक करते हैं। क्या ग्वेन? क्या बकवास है, इसने ही मुझे शूट से बाहर करवाया। अब माँ के सामने उसका पर्दा फाश करूंगी। माँ मुझे अभी बात करनी है आपसे। ओ तुम ठीक हो, कब से कॉल कर रही थी तुम्हें? ठीक हूँ, मैं बीमार नहीं थी। तुम ठीक ठाक बैठी हो तो फिर क्रेजी घर की गिग छोड़ने का क्या मतलब था, बताओगी जरा? वहाँ लाइटें चली गई थी, फिर लड़कियाँ आई और मुझसे ये कहने लगी कि घर में लॉकडाउन है, हमें वहाँ से भागना होगा। कौन सी लड़कियाँ? ग्वेन और उसकी टीम। ग्वेन क्या मूर्ख है, अपना फोन दो मुझे। देखो यहाँ पर मैसेज है कि तुम बीमार हो। मैं नहीं थी माँ। समझ गई, ग्वेन तो एजेंसी से बाहर गई, बहुत बिगड़ गई है वो। तुम्हें आने वाली सारी कॉल्स ब्लॉक्ड हैं। टाइम आ गया है माँ, देख लिया ना आपने ग्वेन की हरकत को। ओह रुकिए, क्रिस्टी का फोन। ओके तुम शांत रहो और सुनो, उसे बोलना कि तुम सच में बीमार थी और तुम माफी मांगना। हेलो, हाँ अब बेहतर महसूस हो रहा है, थैंक्स। क्या बोली वो? हाँ क्रिस्टी जरूर, मैं वहाँ आऊंगी। वो मुझे फिटिंग के लिए बुला रही है। उम्मीद खत्म नहीं हुई, अब दो पैसा आएगा, पैसा ही पैसा होगा। कुछ नहीं, तुम तुरंत फिटिंग पर पहुँचो, ग्वेन को मैं देखती हूँ। देखो इसे यहाँ से ना थोड़ा सा टाइट कर दो और ओ टीना डियर, तुम आखिर फाइनली आ ही गई, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। हाँ मैं इतना बीमार थी कि अपना फोन भी नहीं उठा पा रही थी। कोई बात नहीं, अब तो तुम यहाँ पर आ ही गई ना। जैद टीना के लिए कुछ अच्छी ड्रेसेस लेकर आओ प्लीज। हाँ वो तो ठीक है। ओह क्रेस कितना अच्छा सरप्राइज दिया है, तुम्हें मेरी याद नहीं आती क्या जेंटलमैन? आज मैंने गलती से दो गुलदस्ते खरीद लिए हैं, ऐसा लगा जैसे आज यहाँ दो लवली लेडीज आने वाली हैं। टीना क्रिस से मिलो, ये मेरे दोस्त का बहुत ही प्यारा बेटा है, उस बूढ़े आदमी के पास बहुत से पेट्रोल पंप हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं टीना हूँ। पता है ये मेरे ब्रांड का फेस है और जल्द ही ये ग्लोबल सेंसेशन बन जाएगी। टीना डियर चाय से ट्राई करो। माफ करना मुझे अब जाना होगा, काश मैं तुम लोगों के साथ ज्यादा टाइम बिता पाता। टीना क्या तुम कल मेरे साथ डिनर पे चलोगी? मैं? हाँ बिल्कुल। ओ फिर मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में मिलूंगा। ओके मिलते हैं। टीना देखो जरा, तुम्हारे साथ एक मुलाकात ने उस पर जादू सा काम कर दिया है। सच कहूँ तो पता नहीं, मुझे सोचना होगा।
करोड़पति का बेटा मुश्किल से मिलता है, सोचो मत। आप सही हैं शायद, मैंने पहले कभी करोड़पति के साथ काम नहीं किया। ये तुम्हारे ग्लैमरस फ्यूचर की शुरुआत है, देखती जाओ धीरे धीरे सब बदल जाएगा। टीना तुमसे मिलकर मैं बहुत खुश हूँ, थैंक्स टू क्रिस्टी। क्रिस्टी का क्या, ये तो किस्मत है, तुम यहाँ अचानक आए और हम एक दूसरे से टकरा गए। नहीं तुम समझे नहीं, उसने सजेस्ट किया था कि हम मिले। क्या भूल जाओ उसे, तुम्हारे इंटरेस्ट क्या है। तो फिर ये रही आपकी डिश। टीना अभी हो, अभी यहाँ पे खड़ा रहेगा क्या, हमारी बात खराब मत कर, निकल। माफ करना मैं अभी लेकर आता हूँ। तो तुम्हें किन चीजों में इंटरेस्ट है। मैं मॉडल हूँ, कुछ खास नहीं। मुझे मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। मेरा नंबर फोन करना। उफ, ये लड़कियां चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं। अरे यार लगता है मैं लेट हो गया, सोच रहा हूँ टीना कहाँ पर होगी। ये तो बहुत ही खूबसूरत है, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है इसके सामने। तो तुम्हें कैसा लगा, पसंद आया? बहुत ही ज्यादा। तो बताओ क्या सच में तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? बिल्कुल, मैं उस करोड़पति की कंपनी से ऊब गई थी, लेकिन तुम्हारे साथ इजी और चिल है। तो फिर चलो पार्क में होके आते। पता है मुझे ये एहसास हो गया है कि मुझे तुम जैसे सिंपल लोग पसंद हैं। वाकई में तुम तो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो, तुम्हें तो किसी अमीर आदमी के साथ होना चाहिए। नहीं ये मेरी वाइब्स नहीं है, मैं रोमांस रियल कनेक्शन चाहती हूँ। वैसे भी ये करोड़पति नौटंकी क्या है आखिर। मैं समझता हूँ, हालांकि मैं अमीर नहीं हूँ लेकिन मैं तुम्हें खुश जरूर कर सकता हूँ। बस मैं यही तो मिस कर रही थी। वर्क कॉल है, लेना होगा। हेलो, क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, नेट सॉरी। टीना सब कुछ ठीक तो है? फोन पर क्रिस्टी थी, क्रेजी घर फैशन हाउस से। वो आखिर ये सब चल क्या रहा है? काम से रिलेटेड है, अर्जेंट है, मुझे वहाँ जाना होगा। तुम अपना ध्यान रखना ठीक है, बाद में मिलते हैं, प्रॉमिस्ड। बाद में मिलते हैं टीना। मिसेस क्रिस्टी क्या हुआ? सरप्राइज। ये क्या है? सॉरी क्रिस को तुमसे कुछ बात करनी है। क्रिस? अरे नहीं बिल्कुल। टीना तुम कमाल की हो, वैसी हो जैसे मैं ढूंढ रहा था। मैं? क्या तुम मुझसे शादी करोगी टीना? ओह रुक जाओ, अगर मैं ना कहूँ तो? मैंने मना कर दिया तो क्रिस्टी अपसेट होगी, वो हमें एक साथ चाहती है। हाँ तैयार हूँ। तुम देख लेना, हमारी शादी इस शहर की शानदार शादी होगी। बेचारा नेट, न जाने उसे ये जानकर कैसा लगेगा। आज हवाओं में सिर्फ खुशबू और प्यार है। Let's raise the toast. Wait, no. Cocktail time है ये। After all, ये celebration है, man. हमें यहाँ पर एक वेटर की जरूरत है। A waiter. नेट, क्या हुआ ये? टीना, ये किसी और के चक्कर में पड़ी थी, इसने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? बेचारा शायद घबरा रहा है। अरे नहीं अभी मत जाओ, फोटोज खराब हो जाएंगी। ऑलराइट, हम सब टोस्ट करते हैं हैप्पी कपल के लिए। और अब है वो मोमेंट जिसके लिए हम इंतजार कर रहे थे, आप दोनों अभी हैं हस्बैंड। रुको, क्या? मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। क्या? क्या टीना तुम ये क्या कर रही हो? मैं क्रिस से प्यार नहीं करती। टीना अगर तुम चुप नहीं हुई ना इसी वक्त तो। मुझे नेट पसंद है, मैं बिना प्यार के शादी नहीं कर सकती। यहाँ तो पछताएगी, मेरे पापा तुझे हर फैशन शो से ब्लैक लिस्ट करवा देंगे। मैं तुमसे नहीं डरती, जो चाहे करो, मैं नेट के साथ ही रहूंगी। टीना हम आगे क्या करने वाले? हम भागेंगे।
लेकिन लगता है मेरी बहन का करियर डूब चुका है बिल्कुल। तुम्हें एजेंसी के पास वापस जाना चाहिए। माँ क्या कर रही हैं आप? वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। सॉरी टीना, अब तुम्हारा करियर खत्म। तुम मेरी एजेंसी से अब बाहर हो गई टीना। तुम्हें इसकी सीरियसनेस पता है? मुझे बाहर निकाल रही है। इतना ही नहीं, अब तुम्हें कोई और एजेंसी बिल्कुल हायर नहीं करेगी। मैंने सबको ऑलरेडी कॉल कर दिया है, कोई ब्रांड तुम्हें हायर नहीं करेगा। अब तुम किसी तरह की मॉडलिंग कभी नहीं कर पाओगी, समझी? तुमने सचमुच गड़बड़ कर दी है टीना, तुमने क्रिश को धोखा दिया। अब क्रिस्टी तुम्हें इस इंडस्ट्री में दफन कर देगी। हम भागेंगे, बस इतना ही, चलो खत्म करें। और तो और, ग्वेन एजेंसी में वापस आ चुकी है तुम्हारी जगह पर। फैक्ट की बात कर रही हैं। आप बहुत जल्दी सब कुछ भूल जाती है माँ। तुम्हारी हरकत बहुत ज्यादा बुरी थी, इससे मेरी रेपुटेशन कितनी खराब हो सकती है। कम ऑन माँ, चलते हैं अब यहाँ से। अब मैं आपकी रेपुटेशन हूँ। ये सब बहुत गलत है। क्या मेरी खुशी कुछ मायने नहीं रखती है? हाँ, मैं अब 25 साल की हूँ, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हैं। बहुत अच्छे ग्वेन, इस वक्त तुम शहर की सबसे बड़ी हस्ती हो, और टीना पता नहीं किस झुग्गी में बैठकर कचरा छान रही होगी। अरे वाह, कमाल कर दिया, ऐसे ही करते रहो। आप बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। आज क्रेजी घर फैशन हाउस के 100 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन जश्न मनाने का यही इकलौता रीजन नहीं है। क्या ये बात बाद में नहीं हो सकती? मैं बिजी हूँ। तुम फोटोज लेने में इतना टाइम क्यों ले रहे हो? कैमरे की स्पीड तेज नहीं होती ग्वेन। ए, मेरी लड़की को परेशान मत करो, वो एक बहुत बड़ी सुपरस्टार है और तुम कुछ नहीं। किटी तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो? आखिर ये एक फैशन फोटोग्राफर है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। सरा अपनी बेटी को संभालो। अरे वो कहाँ चली गई? लगता है उसे तुम्हें छोड़ दिया। तुम बहुत बोरिंग हो क्रिस्टी। समझ गई, मुझे उस बेवकूफ से आने वाले शो की बात करनी है। मैं उसे खुद ही ढूंढ लूंगी। वाह, मैं ऐसी ड्रेसेस पहनकर घूमती थी कभी। अब मैं सेकंड हैंड कपड़े पहनती हूँ। काश एक बार फिर से मैं इसे पहन पाऊँ। कमाल था, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने सुना कि तुम बहुत तंगी में हो। हाँ, लाइफ कोई पार्टी नहीं है। ओ, बिल्कुल पड़ता है। हाँ, समझ गई। तुम मेरे सारे कपड़े ले लो, ये प्राडा, ये बाले, सेयांगा, सब तुम्हारा है। सच में? वाओ, थैंक्स। लेकिन अचानक मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों? बेशक, सही कहा तुमने, मैं बस तुम्हारे चेहरे पे खुशी देखना चाहती थी। ओ, कहाँ गया ये? क्या? तुम ये कैसे? खुद को एक बार आईने में तो देखो। मैं और तुम ऐसा लग रहा है कि किसी गटर में चली गई हो। ये कपड़े ले लो मेरे। नहीं, अपना सामान लो, मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं। सही कहा, तुम प्राडा को असल में कूड़ेदान में नहीं दिखा सकती। नेट, मैं हार गई। उस भयानक ग्वेन ने न केवल मेरा करियर बर्बाद किया, बल्कि मेरे जले पर नमक भी छिड़का। मगर तुमने ही तो अपना करियर तबाह किया है। मैंने ये तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे लिए। हे, ये तुम क्या कर रही हो? आज रात के हमारे डिनर का क्या होगा? मैं बस नॉर्मल लाइफ चाहती हूँ। कपड़े खरीदना, रेस्टोरेंट जाना, जिम जाना, बस और क्या। तो फिर जाकर तुम वो सब करती क्यों नहीं? यहाँ पर क्यों खड़ी हो? मैंने सोचा था कि तुम करोगे, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तुम्हें मैं याद दिला दूँ, वो मैं ही हूँ जो कि वेटर की 3 शिफ्ट करता है, और तुम यहाँ पर कुछ नहीं करती। क्योंकि मैं सिर्फ मॉडल बन सकती हूँ, मैंने किसी और चीज की ट्रेनिंग नहीं ली। तो फिर तुम जाकर कुछ करती क्यों नहीं? तुम्हें क्या लगता है पैसा पेड़ पर उगता है? नहीं, पैसे को कमाया जाता है। ओह, तो ये बात है, तुम्हें मैं आलसी लगती हूँ, समझ गई। देखो, मैं चीजों को इस तरह से नहीं समझता, क्योंकि तुमने बाकी बजाय मुझे चुना। मुझसे बेहतर कोई भी तुम्हें मिल जाता। हाँ, क्योंकि तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ।
तुम्हें ना चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है तुम कुछ ना कुछ तो कर ही लोगी। कौन है वहाँ पर, अंदर आ जाओ। क्या? क्रिस्टी, आप यहाँ? मैंने तुम्हें स्टोर पर उस दिन ग्वेन के साथ देखा और तुम्हारा पीछा किया और आ गई। इससे अच्छा तो आप मुझे इस कूड़ेदान में नहीं देखती। हाँ, लगता है बहुत मुश्किल से गुजारा हो पा रहा है। अच्छा है, मैं संभाल लूंगी, उस गड़बड़ के लिए सॉरी। मैं अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर वो शादी नहीं कर सकती थी। मुझे कोई भी हार्ड फीलिंग्स नहीं है। सच में मुझे समझ में आ गया था कि तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल सही था। आखिर में तुमने अपने दिल की बात ही तो सुनी। थैंक्स क्रिस्टी। आप यहाँ पर क्यों आई हैं? तुम्हें इस हाल में देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक बार फिर से तुम्हें अपने ब्रांड का चेहरा बनने का ऑफर देना चाहती हूँ। क्या? लेकिन कैसे? मुझे तो ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। मेरे साथ तो मेरी माँ भी काम नहीं करेंगी। वो सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब मैनेज करूंगी। तुम हर कवर पर छा जाओगी, यहाँ नहीं सड़ोगी। चलो मेरे साथ, जल्दी चलो, तुम भी चलो। ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट इतना लंबा क्यों है? क्या मेरे पास इतने काम हैं? क्या तुम खुश नहीं हो? तुम वेबसाइट के हर पेज पर छा जाओगी, हर कवर पर छाई रहोगी, यहाँ तक कि परफ्यूम की बोतलों पर भी रहोगी। ये डॉक्यूमेंट क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं लग रहा। अरे घबराओ मत स्वीटी, ये तो बस एक फॉर्मेलिटी है। लेकिन इसमें तो लिखा है कि मुझे हेड बनना चाहिए, फिर मैंने नहीं पढ़ा। अरे वो सब इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अब पूरा ही हो गया समझो। जल्दी से जाओ, तैयार हो जाओ, क्योंकि कुछ ही घंटों में शो शुरू होने वाला है। शो? हाँ, फैशन की दुनिया में तुम्हारी वापसी को धमाकेदार बनाने के लिए नए कलेक्शन के साथ खास बनाने का सोचा है। क्रिस्टी, मैंने आपको ठीक से थैंक्स भी नहीं बोला। किस लिए? आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया, आप मेरी माँ की तरह हैं। फ्रेंड्स, आज क्रेजी घर फैशन हाउस के 100 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन जश्न मनाने का यही इकलौता रीजन नहीं है। बड़ी खबर ये है कि टीना मॉडलिंग की दुनिया में फिर से वापस आ गई है और वो हमारे ब्रांड का चेहरा बन गई है। खास बनाने के लिए मैं हमारे नए स्पोर्ट कलेक्शन को लॉन्च करना चाहती हूँ। मेरे शो में आने के लिए आपका थैंक्स। क्रेजी घर के सीईओ के रूप में मैं आप सबका थैंक्स करती हूँ, खासकर क्रिस्टी का, जिनकी वजह से आज मैं इतनी सक्सेसफुल हुई हूँ। हाँ वो तो ठीक है। हाँ ये तुम देख लो, तो बाद में ये देख, तू इधर जाओ वहाँ से। हाँ तो काम बढ़िया चल रहा है ना? हाँ बढ़िया है, हम नया कलेक्शन तैयार कर रहे हैं। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने सालों के बाद मैं क्रिस्टी की जगह संभालूंगी। अरे तुम तो उसकी हकदार हो। ये भी हो गया। मिसेस टीना, आपने जो भी बताया था मैंने सब कुछ कम्प्लीट कर लिया है, आप जरा चेक कर लीजिए कुछ रह तो नहीं गया। बिल्कुल, उन्हें टेबल पर रखो। मेरा कुछ काम अधूरा पड़ा हुआ है। तो क्रिस्टी की वसीयत की फिर से चेकिंग कर रही हो? हाँ, मैं इसे गुड लक चार्म मानती हूँ। जब मैंने इस पर साइन किया था तब मैं यंग थी और इसका मतलब नहीं समझती थी। कमाल है, क्रिस्टी ने फैशन हाउस तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, ये तो बवाल है। चलो कुछ चीजें हैं जिसका मुझे ध्यान रखना है। कम ऑन स्वीटी, मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। थैंक्स क्रिस्टी, तुमने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। तुम ना होती तो हम सब कहाँ होते आज, सोचकर भी डर लगता है। उन्होंने तुम्हें एक मौका दिया वो बनने का जो कि तुम हमेशा से बनना चाहती थी, और मुझे अपने सपनों से समझौता नहीं करना पड़ा। थैंक्स क्रिस्टी, अब मैं गर्व से कह सकती हूँ मैं कामयाब मॉडल बनी तुम्हारी वजह से। मामा, पापा, मैं बेस्ट मॉडल बनूंगी, अब देखिएगा आप लोग। ये तो बस एक मजाक
था, बदकिस्मती से आप लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हो। लेकिन यार हम सब चाहते हैं कि हम आप सबको गले लगा सके। हमारे गले लग जाओ और हमारे साथ इस छोटे से बिस्तर पर चिल करो। आप सबके साथ ठंडी हवा में बैठे। आशा करते हैं कि ऐसा जरूर एक दिन होगा हमारे साथ। तो आज का वीडियो कैसा था और आपको कैसी वाइब लगी और हमें बताए आपको इसमें क्या अच्छा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताए। ईमानदारी से कहूँ तो मैं इससे बहुत रिलेट करती हूँ और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि टीना कितनी फोकस थी। उसने 6 साल की एज में ये डिसाइड कर लिया कि उसे मॉडल बनना है। मुझे आज हमारे एक सब्सक्राइबर की बात सुननी है जिसकी वजह से हमने ये वीडियो एक्चुअली बनाया है। वो है रीडिंग योर कमेंट्स और हमें पता है कि यहाँ पे काफी सारे कमेंट्स आते हैं पर हम सब में से छाट छाट कर एकदम अच्छे वाले ढूंढ ढूंढ के लाते हैं ताकि हम पढ़े इस वीडियो में और आपको इसका सही से रिप्लाई दे सके। वैसे इसमें काफी टाइम लगता है पर जेन्युइनली बताऊं ये काफी इंटरेस्टिंग होता है आपके थॉट्स पढ़ना, स्टोरीज पढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, हालांकि ये बहुत शानदार है कि उसे 6 साल की उम्र में पता चल गया कि उसे मॉडल बनना है, एक्टिंग करनी है। क्या तुम लोगों को पता था 6 साल की उम्र में तुम लोग एक्टिंग करोगे? पता है वो असली चाबास है, उसने अपने लिए गोल सेट किया और उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत से आगे बढ़ी और ये उपलब्धि कोई आसान उपलब्धि नहीं है, बड़ी बात है। सच कहें तो हम सभी सपने देखते हैं लेकिन धीरे धीरे वो सपने हमसे कहीं पीछे छूट जाते हैं, धीरे धीरे सपने सपनों में ही रह जाते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा उसे लगातार परेशानी भी तो कितनी सारी झेलनी पड़ी थी, बहुत सारी परेशानी उसके इनर सर्कल से भी और उसकी मॉम से भी। और ये काम आप लोग भी कर सकते हैं, इसलिए सब कुछ इग्नोर करो और अपने सपनों को पूरा करो, अपनी दिल की पुकार को सुनो बस। जब तुम 6 साल की थी तब क्या बनना चाहती थी? मैं भी यही कहने वाली थी। कमाल है, तो तुम ही बता दो फिर क्या। तुमने बिल्कुल मेरी मुंह की बात छीन ली है। जब मैं छोटी थी तो एक दिन मम्मी पापा एक फिल्म देख रहे थे तो मैंने छुप छुप के उन्हें देखा था, पर एक्चुअली वो किसी तरह की डाकुओं की फिल्म थी। मैं गैजेट्स की फैन नहीं थी। और वो लोग दूसरों का भला करते थे, ऐसे नहीं लाइक रॉबिन हुड। और तभी मेरे दिमाग में सेट हो गया और मैं उसी तरह बनने की कोशिश की, दूसरों की मदद करना, अच्छा इंसान बनना, और मुझे नहीं लगता मैं अभी बन पाई। अरे वाह ये तो कूल है, मैं बचपन से ही हमेशा सिंगर बनने का सपना देखती थी। मैं हमेशा अपने पेरेंट्स के लिए म्यूजिक कॉन्सर्ट करती थी, दिल खोल कर गाती थी, उन शो को हिट करना चाहती थी जहाँ मैं गा सकती थी। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कहा क्रिस्टी नहीं, बस कहानी खत्म। फिर भी क्यों, मतलब तुम गाती रही? नहीं, बचपन के वो सपने थे जो वहीं कहीं दब गए और खत्म हो गए। हाँ बिल्कुल, तो बस उस पर टिके रहिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए और बस हो सकता है कि आप उसमें बहुत बड़ी सक्सेस को हासिल करें। कौन क्या कहता है उस पर ध्यान मत दीजिए, बस अपने करियर पे ध्यान दो। यस, जो दिल चाहे वही करो, जो काम तुम्हें पसंद नहीं वो करोगे तो बर्बाद होना ही है। और हाँ, मैं बचपन से हमेशा एक सपना देखती थी कि मैं एक डाकू से शादी करूंगी। सच में सीरियसली। लेकिन हाँ, एक्टिंग की बात करें तो इसने मुझे भी आकर्षित किया। खैर जब सिंगिंग की बात आई तो मैंने अपने पेरेंट्स की बातों पर ध्यान दिया क्योंकि वो कहते थे तुम्हारी आवाज बिल्कुल एवरेज है, परेशान मत हो। लेकिन जब एक्टिंग की बात आई तो मैंने तय किया कि मुझे एक्टिंग ही करनी है। हालांकि पापा ने इसे बंद कर दिया, कहा कि वो दुनिया में किसी भी ट्यूटर के लिए पैसे देंगे, मैथ इंग्लिश बताओ लेकिन एक्टिंग के अलावा कुछ भी कर सकती हो। मैं दादाजी के पास गई, उनसे थिएटर स्कूल में एडमिशन और शुरुआत करने के लिए मैंने पैसे मांगे। तब मेरे पापा को शर्म आई कि मैं क्या कर रही हूँ, तब उन्होंने बिल भरना बंद कर दिया। यही था, बाद में वो मेरे पहले नाटक के लिए आए और फिर जब उन्होंने मुझे वहां देखा तब उन्हें लगा कि हाँ मैं अपनी जगह पर सही हूँ और उसके बाद से आज का दिन क्रेजी घर में हूँ। ये कहानी बिल्कुल अनोखी है, बिल्कुल शानदार रहा, बहुत सही है। मैं सीरियसली इंप्रेस हूँ। तुम बचपन में जानना चाहती थी कि तुम क्या करना चाहती हो, टीनेज में भी यहाँ तक की। और पता है टीना 6 साल के थे जब वो चाहती थी कि मैं एक डाकू बनूं। इसका मतलब डाकू बनना भी बुरा आइडिया नहीं है, क्यों है ना? अरे सॉरी सॉरी, लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ये सच में बहुत बड़ा सवाल है कि क्या आपको पता था
बचपन से कि आप क्या बनना चाहते हैं, प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर लिखें और हम आज रात को पढ़ेंगे वो। हाँ, ये आसान काम नहीं है। अगर आपको पता नहीं है तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब जानना कितना मुश्किल है। आगे क्या है और आप क्या बनना चाहते हैं, 40 साल की उम्र के लोगों को भी आखिर में बाद में पता चलता है कि वो तो पेंटिंग करना चाहते हैं। करियर के लिहाज से वो काफी कमाल कर रहे हैं। तो खुद को फ्री छोड़ो, अपना टाइम लो, पता लगाओ कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं, और इसमें सहजता से काम करो। ऑल राइट, अब जॉनी को सुनते हैं। कोई नहीं बोलेगा, देखो कोई बोलने की बात ही नहीं बची। ओके, जरूरी बात दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप खुद से प्यार करें, अपनी बात सुने, और कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोशिशों में सपोर्ट की कमी है, तो हम है ना, हम आपका परिवार है और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। हम आपके सारे कमेंट्स को पढ़ते हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वो बेल आइकन जरूर दबाइएगा, समझे? और क्या, हमें लाइक जरूर करना करें। हाँ, और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, अब अब हम अपना गियर बदलते हैं। रुको, मुझे आपत्ति है, पुलिस बुलाओ तुम लोग। नहीं नहीं, रुको रुको रुको, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। नहीं नहीं यार, रुक जाओ, ये क्रेजी घर है। और ग्वेन, कपड़े खरीदना, रेस्टोरेंट में जाना और सब कुछ। हाँ जिम, वो मेरा तो गया ठीक से। क्या हो गया, हादसा हो गया क्या, गिर कैसे गई? अरे उठो यार, उठाओ उसको, बोलो और टीना को क्रिस्टी बन के मैसेज करो। हाँ, इस पर रुक जाओ। थैंक्स क्रिस्टी। कौन क्रिस्टी? सीरियसली क्रिस्टी कौन है वो?